मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई घटना पर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन धरना प्रदर्शन किया और मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता प्रकाश चौकसे ने कहा कि लंबे समय से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में भयावह स्थिति बन रही है, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसे हिंसा भड़काने वाले असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने कहा, मणिपुर की हिंसा को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अगर समय रहते सख्त कदम उठाए होते तो ये भयावह स्थिति नहीं उत्पन्न होती, ना ही लाखों लोगों को घर से बेघर होना पड़ता। जब सरकार को सख्त कदम उठाने थे तब सरकार मामले को दबाने में लगी हुई थी। आज भोपाल में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी चौराहे मणिपुर की जो उम्मीदवार करके महिलाओं के साथ जो अत्याचार कराए, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के लिए और नरेंद्र मोदी को नींद से जगाने के लिए मौन धरने का आयोजन किया गया। हम लोग उनसे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, कि उनको इतनी बड़ी घटना जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया होने के बाद भी वह आज सब ऐसे शब्द बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को भगवान सत्यवती दे और गृह मंत्री को सत्यवती दे तो उन पर कोई कार्रवाई करे कि जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आने पड़ रहा है और जिनका काम था वो कर नहीं रहे, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर नहीं बता दें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।